नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसोसिएट्स टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी का टी अक्षर, टी अल्फाबेट है, और वैसे लोग जिन्हें अपनी वास्तविक जन्मतिथि और अपनी जन्म राशि नहीं पता, तो ये नहीं समझ पाते भाई कि हम अपना राशिफल कैसे देखें। तो उसके लिए हम ये वीडियो लाए हैं, आप इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। ये वीडियो केवल और केवल उन लोगों के लिए है जिनका नाम टी अक्षर से शुरू होता है। चलिए बात करते हैं अंक ज्योतिष की, जिसमें एक पद्धति है चार्डियन न्यूमरोलॉजी, जिसके अनुसार चार का जो अंक है वो टी अक्षर वालों पर अधिकार रखता है। चार अंक के स्वामी राहु महाराज हैं, इसलिए राहु से प्रभावित होकर आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन में नई नई परिस्थितियों को देखते हैं, अचानक से आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ जाते हैं। जानते हैं साल 2023 आपको किस दिशा में आगे लेकर जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर और व्यवसाय की। वर्ष 2023 के दौरान नौकरी करने वालों के लिए साल की शुरुआत अच्छी रहने वाली है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, हालांकि यह भी दिखाई देता है कि आप अति आत्मविश्वास का शिकार भी हो सकते हैं, जिससे अपने बने हुए कामों को ही बिगाड़ने लगेंगे। नौकरी की जगह पर आप खुद को सबसे अच्छा मानकर दूसरों की बातों को अनदेखा करेंगे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको हमारी सलाह है कि इनसे बचने की कोशिश करें, नहीं तो ऐसा करना आपके ही विरुद्ध जा सकता है और नौकरी में परेशानी आ सकती है। वैसे यह वर्ष आपके लिए अच्छा है, आप मेहनत करेंगे तो उससे आपको नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी और प्रमोशन के योग भी बनेंगे। अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच का समय आपको उत्तम सफलता प्रदान करेगा, आप नौकरी में पदोन्नति के हकदार बन सकते हैं। सितंबर से नवंबर के बीच नौकरी में बदलाव भी हो सकता है, यदि आप नौकरी बदलना चाहें तो इस दौरान आप कोशिश करें, आपको सफलता मिलेगी। यदि आप कोई व्यापारी हैं तो यह वर्ष थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो व्यावसायिक साझेदार से आपके संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं, इसलिए अपने व्यापार में किसी भी बात की पूरी खोजबीन करके ही आगे बढ़ें। अक्टूबर के बाद आपके व्यापार में अच्छे समय की ज़्यादा आहट होगी और तब आपको सफलता मिलेगी। अब जानते हैं टी अक्षर वालों का वैवाहिक जीवन साल 2023 में कैसा रहेगा। आप और आपके जीवन साथी के मध्य वर्ष की शुरुआत से ही कुछ कहा सुनी होने या किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है, धन को लेकर भी कुछ कहा सुनी हो सकती है। एक दूसरे को अच्छे से आप इस दौरान समझ नहीं पाएंगे और इसका असर ये होगा कि रिश्ते में दूरी बढ़ने लगेगी। एक दूसरे की बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, जिससे वाद विवाद की नौबत आ सकती है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आपके जीवन साथी आपसे कुछ कह रहे हों तो आप शांति रखें और ऐसा ही वो भी करें। दोनों में से एक व्यक्ति शांत रहेगा तो समस्या अपने आप रुक सकती है। मार्च से लेकर मई के बीच का समय अच्छा है, इस दौरान अपनी संतान की तरफ से भी कुछ अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं। आप दोनों के बीच आपसी समझदारी का भाव इस समय में बढ़ेगा, जिसका फायदा आपके रिश्तों को होगा। अगस्त और सितंबर के महीने कुछ चुनौतियां प्रस्तुत करेंगे, पारिवारिक समस्याएं बढ़ेंगी, उसके बाद से आपको अपने जीवन साथी के साथ घूमने जाने के योग भी बनेंगे। साथ मिलकर आप अपने रिश्ते को और बेहतर बना पाएंगे और चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए एक अच्छे दाम्पत्य जीवन का लुत्फ उठाएंगे। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए वर्ष का शुरुआती महीना कुछ कमज़ोर रहेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लें, पढ़ाई से हटे हटे से रहेंगे, क्योंकि आसपास का वातावरण आपको पढ़ने नहीं देगा। लेकिन आप दृढ़ प्रतिज्ञ होकर कोशिश करेंगे तो जनवरी के बाद से शिक्षा में अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। आपकी मेहनत अपने आप बढ़ती जाएगी और उसका आपको फायदा मिलेगा। आप अपनी पढ़ाई में पिछड़ेंगे नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित ढंग से पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहेंगे। इसके लिए आप टाइम टेबल बनाएं या किसी का मार्गदर्शन लें। अनुशासित होकर आप पढ़ाई जारी रखेंगे, जिससे नकारात्मक परिणाम आपके सामने इस वर्ष के मध्य में आएंगे। यह वर्ष आपको मन की इच्छा पूर्ति करने में सहायक बनेगा। यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो जमकर मेहनत करें, सफलता मिल सकती है। उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो वर्ष की शुरुआत से मार्च तक का समय और उसके बाद अगस्त से अक्टूबर का समय ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। प्रेमी युगल की बात करें तो वर्ष के शुरुआती समय में आपको अपने प्रेम संबंधों में कुछ प्रेम के कड़वे घूंट पीने बन सकते हैं, यानी कि आप और आपके प्रियतम के बीच परिवार वाले बाधा बन सकते हैं। यदि आपके परिवार वालों को आपके संबंध के विषय में पता है तो वह कुछ चुनौतियां और अवरोध उत्पन्न करेंगे ही, और या
यदि आप अपने प्रेम के सच्चे हैं और उनके प्रति वफादार हैं तो आप धीरे धीरे इन चुनौतियों से पार पा लेंगे और वर्ष के मध्य तक अपने रिश्ते को परिपक्व बनाएंगे, अन्यथा वर्ष की प्रथम तिमाही आपके रिश्ते को पूरी तरह से खराब कर सकती है। इसके विपरीत यदि आप अपने प्रेम संबंध को और प्रगाढ़ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए परिवार वालों से मिलें, उनके यानी कि अपने प्रियतम के परिवार वालों से मिलकर उनका दिल जीतने की कोशिश करें। धीरे धीरे ही सही आपको सफलता मिल जाएगी। आप दोनों साथ मिलकर अपने भविष्य के सुंदर सपने सजाएंगे, अपने प्रेम जीवन को एक खूबसूरत रंग देने में कामयाब हो पाएंगे। आप अभी तक अकेले हैं तो इस वर्ष मार्च के बाद से आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति की दस्तक हो सकती है जो आपको हर खुशी देगा और आपके जीवन का खास हिस्सा बन सकता है। टी अक्षर वालों का आर्थिक जीवन साल 2023 में कैसा रहेगा इस पर बात करते हैं। वर्ष 2023 का शुरुआती महीना कमजोर रहेगा। आपकी योजनाओं से आपको निराशा हो सकती है। इससे आर्थिक लाभ के योग थोड़े कम होंगे और आप थोड़ा सा परेशान महसूस करेंगे, लेकिन आपको धैर्य रखना है क्योंकि यही धैर्य आपको सफलता देगा। आप अपने मनचाहे मंसूबों का पूरा करने में कामयाब रहेंगे और यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी अच्छी पदोन्नति वर्ष के मध्य में देखने को मिलेगी। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करके धन कमाना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय जनवरी के बाद शुरू होगा। आप किसी अच्छे विशेषज्ञ की मदद से अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे। निवेश के दीर्घकालीन लाभ से आपको बहुत फायदा होगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। जून से लेकर सितंबर के बीच का समय आर्थिक चुनौतियों का रहेगा। आपके खर्चे बेतहाशा बढ़ेंगे, लेकिन आप अपनी ओर से पूरी कोशिश करते नजर आएंगे कि किसी न किसी तरह से इन चुनौतियों से पीछा छुड़ाया जाए और इसमें काफ़ी हद तक आप अक्टूबर तक कामयाब हो जाएंगे। नवंबर और दिसंबर के महीने सफलता और अच्छी आर्थिक स्थिति प्रदान करने वाले महीने साबित होंगे। अब बात करते हैं टी अक्षर वालों के स्वास्थ्य की। वर्ष 2023 का शुरुआती समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। आप यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो वसा जनित रोगों, पेट से संबंधित समस्याओं, गैस, एसिडिटी, अपच, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। अप्रैल के बाद से इन समस्याओं में कमी आएगी, लेकिन मानसिक तनाव ज़्यादा रहेगा। शारीरिक रूप से आप अच्छा होने लगेंगे, लेकिन मानसिक रूप से तनाव बढ़ेगा। इसका असर फिर से शारीरिक रूप से परेशानी के रूप में दिखाई देगा। इसलिए आपको इस पूरे वर्ष ध्यान और मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। इससे ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी मजबूत होगा और आप तंदुरुस्त जीवन व्यतीत कर पाएंगे। वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाही में स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। टी अक्षर वाले लोगों को साल 2023 में कौन से उपाय करने हैं, आइए बात करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि साल 2023 में अच्छी आर्थिक समृद्धि प्राप्त करें, स्वास्थ्य समस्याओं से जितना हो सके बच पाएं और आप अपने जीवन में उन्नति करें, तो आपको जनवरी, अप्रैल और अगस्त के महीनों में रुद्राभिषेक संपन्न कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त गणपति जी को दूर्वांकुर अर्पित करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। बुधवार के दिन श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर जाकर भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करने से आपकी सभी समस्याओं का अंत होगा। तो दोस्तों, ये था आपका राशिफल। मैं आशा करता हूँ ये साल आपके लिए सुख और समृद्धिदायक हो। आप सभी को डॉक्टर मृगांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। फॉर रेगुलर अपडेट्स फॉलो अवर इंस्टाग्राम पेज राइट नाउ।